नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में पालिका कर्मी व अस्पताल कर्मचारियों में हुआ समझौता। SDM विनय कुमार और रामपाल सिंह व विधायक पुत्र सुहेल इकबाल ने कराई दोनों पक्षों में मध्यस्थता। नाला सफाई करने के दौरान वाहन हटाने को लेकर अस्पताल कर्मी व पालिका कर्मी के बीच हुई कहासुनी व मारपीट की घटना का अधिकारियों और विधायक प्रतिनिधि की उपस्थिति में समझौता हो गया। दरअसल गुरुवार को चंदौसी मार्ग महफूज क्लिनिक के आगे नगरपालिका कर्मचारी संजय JCB लेकर सफाई कर रहा था। इस दौरान अस्पताल के आगे खड़े वाहन को हटाने कहने पर अस्पताल कर्मी व पालिका कर्मी में कहासुनी हो गई। मामला पुलिस वाला अफसरान तक जा पहुंचा। पालिका कर्मचारी नगरपालिका में जमा हो गए। दोपहर बाद उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह, विधायक पुत्र एवं प्रतिनिधि सुहेल इकबाल भी पहुंच गए। बातचीत के बाद दोनों पक्षों का गले मिलवाकर समझौता हो गया। संबल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पालिका में किस तरह की मध्यस्थता हुई, किसने आना पड़ा आपको? क्योंकि समाज के दोनों ही अंग बहुत कीमती हैं, डॉक्टर्स हैं और एक हमारे कर्मचारी लोग हैं, और मुझे मालूम हुआ कि इस तरह से आपस में कुछ विवाद हुआ है, इसमें मैंने दोनों की मदस्थता करा के आपस में बात कराई है और चाहा है कि समाज के अंदर जो भाईचारा बना रहे। गलत छोटी छोटी गलतफहमियाँ कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, वो हम चाहते नहीं शहर के अंदर कोई बड़ी हादसा हो, कोई बड़ी बात हो। इसलिए बिठाकर हमने शहर के गणमान्य लोगों ने बिठाकर हम दोनों बिठाकर दोनों मध्यस्थता करा दी। दोनों फैसला हो गया है और माहौल शांत है। दोनों ने गले मिलकर आपस के विवाद बुलाकर दोनों अपने काम पर लौट गए।